ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में के पैरेलल में हमने दो टॉपिक्स और इकट्ठे चलाए थे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम इन तीनों को डिफाइन करें एक बार फिर से, तो मैंने आप ये बताया था कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ये बताया था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है Q और आप इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर क्यू नॉट चार्ज को किसी पॉइंट पे रखते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो अमाउंट ऑफ जो भी वर्क डन होगा, वही क्या कहलाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पहला पॉइंट क्लियर है? तो क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे रखना एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। कितने चार्ज को उठा के रखा? क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज को अगर हमने इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस अपार्ट रखा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू कितनी है? यू लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू या वर्क डन, कुछ भी वर्क डन लिख लो चाहे, एक ही बात है। तो क्यू नॉट चार्ज को जब उठा के रखा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना किया। लेकिन अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के रखना होता, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या करेंगे? इस वर्क डन को डिवाइड करेंगे बाय क्यू नॉट। तो हम बोलेंगे हमने क्या निकाला? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहां से लेके आए चार्ज को? इंफिनिटी। कितने चार्ज को लेके आए? सेकंड केस में प्लस वन, क्यू नॉट नहीं, क्योंकि क्यू नॉट का अगर वर्क डन है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, और प्लस वन का अगर वर्क डन है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? तो ये सेकंड डेफिनेशन थी। तीसरा, हमने ये डिसाइड किया कि अगर ये क्यू चार्ज है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मैं किसी भी चार्ज को उठा के बी से ए पे लेके आता हूं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स पॉइंट, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है। वो वर्क डन ही है क्यू नॉट चार्ज को। अगर आप क्यू चार्ज के पास लेके आ रहे हो और आपका क्यू चार्ज क्यू नॉट को रिपेल कर रहा है, पर आप अगेंस्ट दैट रिपल्शन वर्क डन कर रहे हो, तो आपका वर्क डन डब्ल्यू है। मान लो कहां से कहां? बी से ए, इन्फिनिटी से नहीं, बी से ए। तो क्यू नॉट चार्ज को उठा के रखने का वर्क डन है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर रखना हो कहां से कहां? बी से ए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ये रहेगा। यूनिट पॉजिटिव का मतलब प्लस वन चार्ज को उठा के रखना हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये तीन डेफिनेशन सबको क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ प्लस वन नॉट क्यू नॉट फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, पोटेंशियल में प्लस वन फ्रॉम इन्फिनिट टू आर डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी में क्यू नॉट चार्ज का वर्क डन नॉट प्लस वन चार्ज का वर्क डन। तो तीनों डेफिनेशन क्लियर है। तो इसके बेस पे हमने जो आज काम करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको ये बता दिया था, ये सारा हमने लास्ट टाइम किया था और फॉर्मूला डराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी का। क्या डराइव किया था? कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूरे सिस्टम की क्या होगी? 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर, नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होती है? फोर्स। आर में क्या आएगा? एनर्जी। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये इसको बाद में करते हैं, सिर्फ ये डेफिनेशन याद करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, कि वर्क डन अपॉन चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम इस प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये 1 कूलम का चार्ज है, 2 मीटर दूर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या करवाया? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो आप क्या करेंगे? 1/4πε0 क्यू की जगह 1, आर की जगह 2। वेक्टर है ही नहीं, स्केलर है, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। और यूनिट्स में, क्योंकि वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन किसमें है? जूल। चार्ज किसमें है? कूलम। तो क्या आएगा? जूल पर
कूलम। वैसे जूल पर कूलम का एक और नाम था, क्या था? वोल्ट। आप वोल्ट भी लिख सकते हैं और जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो ये टर्म आ गई आपके पास। सेकेंड केस, अगर ये 1 कूलम है और ये 2 कूलम है और आपको पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 और 4 मीटर, तो क्या रूल है? वही सुपरपोजिशन तो वर्ड बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि सुपरपोजिशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगता है। तो सुपर इसमें ये तो है ही स्केलर, इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें ये लगेगा कि आपके पास चार्ज कितना है, आपके पास चार्ज की वैल्यू है इसमें एक चार्ज जो है, एक चार्ज कितना है इसमें 1 कूलम, एक चार्ज है 2 कूलम। तो 1 कूलम 3 मीटर दूर कितना पोटेंशियल लगाएगा? 1/4πε0, 1/3। और 2 कूलम कितना लगाएगा? 1/4πε0, 2/4। और इट इज नॉट अ वेक्टर, तो सिंपली दो वैल्यूज को क्या कर देना है? ऐड कर देना है आंसर। उसी तरीके से अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है और आपको 1 मीटर दूर क्या निकालना है, इस बार ई निकालना है, वी नहीं निकालना, इंपॉर्टेंट। जब ई निकालना है तो कॉन्सेप्ट किसका लगेगा? वेक्टर का। जब वी निकालना है तो स्केलर का। तो वी निकालने के अंदर वेक्टर को बनाने है ही नहीं बिल्कुल भी, और ई निकालने में वेक्टर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? 1 कूलम 1 कूलम और ये 1। तो अगर मुझे यहाँ पे ई निकालना है तो सिंपली वैल्यूज को ऐड नहीं करना ई निकालने में। याद है ए और बी चैप्टर में क्या किया था? जहाँ पे ई निकालना है चार्ज का एज्यूम करना है प्लस 1। जहाँ वी निकालना है वहाँ भी चार्ज का एज्यूम करना है प्लस 1। बस फर्क ये है कि वी स्केलर से होगा और ई वेक्टर से होगा। वेक्टर में कैसे? ये प्लस 1 है, 1 + 1 को क्या करेगा? रिपेल। तो वेक्टर का बनेगा टुवर्ड्स राइट, तो ये इसे रिपेल करेगा 1/4πε0 1 × 1/1 का स्क्वायर। और ये 1 कूलम इस 1 को क्या करेगा? रिपेल 1/4πε0 1/1 का स्क्वायर। तो 2 ई आ गए लेफ्ट और राइट। तो वेक्टर कॉन्सेप्ट है, ई इज अ वेक्टर, तो बड़े छोटे वेक्टर को क्या करेंगे? माइनस। तो इस केस में क्या होगा? दोनों वेक्टर बराबर है तो नेट ई क्या आएगा? 0। क्लियर है? एंड सेम क्वेश्चन, 1 कूलम 1 कूलम, अब यहां पे मुझे क्या निकालना है? वी। हमने ई नहीं निकालना, जब ई निकालना है तो वेक्टर लेने हैं, जब वी निकालना है वेक्टर नहीं लेने। तो जब वी निकालना है तो जहां पे भी वी निकालना है वहां चार्ज क्या रखना है? प्लस 1। तो 1 कूलम यहां कितना वी लगाएगा? 1/4πε0 1/1। और ये 1 कूलम यहां पर वी क्या लगाएगा? 1/4πε0 1/1। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? जूल पर कूलम। कोई डाउट इसमें? सिंपल, वी ज्यादा आसान नहीं है? ई में तो झंझट है ना, +1 + 1 वेक्टर देखना ही नहीं है, ऐड कर दो आंसर, डन राइट। डोंट यूज वेक्टर लिख के दिया है मैंने शीट में, डोंट यूज वेक्टर राइट। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इस क्वेश्चन में वी निकालें प्लीज, वी निकालें, इस पॉइंट पर आपको वी निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसके अंदर 1 कूलम 1 कूलम ये डिस्टेंसेज ही गिवन होंगे 3 और 4, 5 तो आप खुद निकालेंगे बाय पाइथागोरस। तो आप इसमें ये देखेंगे कि कहाँ वी निकालना है, यहाँ वी निकालना है, जहाँ वी निकालना है वहाँ चार्ज प्लस 1। तो ये 1 कूलम यहाँ पे वी क्या लगाएगा? 1/4πε0 1/5। और ऐसी ये 1 कूलम यहाँ पे वी क्या लगाएगा? 1/4πε0 1/5। तो 9 × 10⁻⁹ × 1/5 प्लस 9 × 10⁻⁹ × 1/5, इसको सॉल्व कर लेना, जूल पर कूलम इज दी आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, वी निकालने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? फोन सुन ले।
देखो नहीं आए, बोलो ओके। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल यूनिट्स बता दिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दिया। अगर आपके पास चार क्यू वन है तो पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 क्यू वन डिवाइडेड बाई आर। जहां वी निकालना है वहां चार्ज प्लस वन, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन। ठीक, अब वी हैव डन पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया कि वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, ना सेम तरीका कि वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। शायद ही आपने कभी पहले भी कभी जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला वर्क डन बाई चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पर मेरे पास एक और तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। क्या तरीका है? मान लो ये चार्ज क्यू वन है और मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट की दूरी बी पॉइंट की दूरी कितनी है आर बी, और ए पॉइंट की दूरी क्यू वन से कितना है आर आर वन या आर ए। ठीक है, तो क्यू पॉइंट या क्यू वन पॉइंट बी पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा, और पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है। क्या फॉर्मूला है? 1/4πε0 क्यू वन डिवाइडेड बाई आर बी। और ऐसी क्यू वन पॉइंट ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल लगाएगा, कितना? 1/4πε0 क्यू वन डिवाइडेड बाई आर ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी तो हो सकता है कि आप इसे सॉल्व करें, आप इसे सॉल्व करें और दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो फिर इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो, दो तरीके हो गए। पहला तरीका ये तरीका, आपको क्यू देगा, आपको दो पॉइंट देगा, पोटेंशियल बी पे निकलेगा, पोटेंशियल ए पे निकलेगा, दोनों को माइनस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा तरीका कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तरीका कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट कुछ भी। तो ऐसे केस में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ये क्यू वन ले लो, बी ले लो, ए ले लो, आर बी आर, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा। फिर क्वेश्चन पूछने का उसका टोन अलग हो जाएगा। वो क्या पूछेगा कि मान लो वो कहेगा आपके पास कोई चार्ज है क्यू नॉट इज इक्वल टू मान लो 2 कूलम, और आपने इस चार्ज को कहाँ से कहाँ उठा के रख दिया, ए से बी पे रख दिया, और आपको ऐसे केस में वर्क डन कितना करना पड़ा, 10 जूल। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो आप सिंपली क्या करोगे, 10 को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट। इसका मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पूछने वाले पे। कि क्वेश्चन में अगर वर्क डन और चार्ज पूछ रहा है तो अलग तरीका है, और अगर ऐसा दे रहा है क्वेश्चन तो अलग है, और अगर ये नहीं दे रहा, क्यू वन दे रहा है, आर ए दे रहा है, आर बी दे रहा है, फिर पोटेंशियल निकाल के दोनों को माइनस करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? रोहन क्लियर है? यस सर। ठीक, आरिफ है, आदित्य, आर्यन गर्ग, रिधि, साम्या, 5:30। ठीक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ना हमने यही प्रैक्टिस करना है। आपको अगर आपको क्या लग रहा है कि मैं पता है अब क्या बताऊंगा आगे, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आज के लेक्चर में यही बताऊंगा कि ये देखो वर्क डन अपॉन चार्ज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और ये देखो क्यू गिवन है, वी ए और वी बी निकाल के माइनस करोगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आज के लेक्चर में यही दो काम करने हैं। आज के दो लेक्चर में छोड़ो, पूरे चैप्टर ही इसी का बना हुआ है कि बस आपको ये पता लग जाए दो चीज़ों में कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समझो ये चैप्टर आपको आ गया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यही है इसके अंदर। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब नेक्स्ट, यहीं तक है शीट ये, ओके, ये शीट का नंबर क्या है?
19, शीट नंबर 19, 20, अच्छा पेपर के क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा प्लीज़, पेपर के क्वेश्चंस, ये 2019 का सॉल्व पेपर है, 20 और 21 का मैंने आपको प्रिंट आउट दिया, आपने ट्राई करने हैं, ठीक है, होमवर्क लेके जाना, ट्राई करने हैं आपने, तो साथ साथ वो प्रैक्टिस करना है, 20, 21, ठीक है, दिखाना 20 नंबर शीट, 20 शीट दिखाना, ठीक है, 20 नंबर शीट, राइट, ठीक है, ट्राई करना है प्लीज़ इसे, आप ये होमवर्क लिखेंगे कि आपने ये कैसे किया, आपने सब चेक करना है, ये आए हुए क्वेश्चन हैं नॉन मेडिकल वालों के, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ना 2019 का पेपर, ना 20 और 21 का पेपर, 3 साल के पेपर जो सॉल्व कर लेगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ तो पेपर में कर ही लेगा, ठीक, तो आसान नहीं है, ये भी कोई मजाक नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन हैं, अभी तो एक कुछ भी नहीं हुआ, पूरी काफ़ी किताब है मेंस वालों के लिए, तो ये ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का फिर से एक शीट बनाई मैंने, लेकिन मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, ऑप्शनल, तो मैंने आपको क्या बताया, अभी जो मैंने आपको सारा कुछ बताया, जिसके अंदर मैंने पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करके दिखाया, राइट, यही किया हमने और तो कुछ नहीं किया, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं किया, लेकिन कई बुक्स इसको ऐसे डिफाइन नहीं करती, कई बुक्स जो मेथड हमने लास्ट टाइम यूज़ किया वैसा नहीं करती, कई बुक्स मेथड 2 यूज़ करती हैं, बढ़िया मेथड है, आप कहोगे क्या मेथड 1 सफिशिएंट है, हाँ सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, पर कल को उसने अगर कुछ वर्क डन्स के ऊपर ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर मेथड 1 सफिशिएंट नहीं है, तो आप इसको ऐसे ना पढ़ें कि आपको इसको याद करना है, आप ऐसे पढ़ें इसको सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए सफिशिएंट है, क्योंकि एंड रिजल्ट दोनों मेथड का एग्जैक्टली सेम है, एंड में कुछ कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पर मुझे मेथड बढ़िया लगता है, क्या मेथड है, वो दो चीज़ों को डिफाइन करता है, जैसे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को मैंने खींचा तो मैंने क्या किया, वर्क डन किया, किसने किया वर्क डन, मैंने किया, स्प्रिंग अपने ऊपर वर्क डन नहीं कर सकता कि मैं खींच जाता हूँ चलो, तो मैंने किया, और जब मैंने उसको छोड़ दिया तो स्प्रिंग वापस आ गया, तो स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर हो गई, एनर्जी, तो वापस आने में वर्क डन किसने किया, स्प्रिंग ने किया, खींचने में किसने किया, मैंने किया, वापस लाने में किसने किया, स्प्रिंग ने किया, ओके ऐसा सही, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, तो मैंने ये रख दिए, ये लो ये हो गए रिपेल, क्या मैंने उनको रिपेल करवाया, नहीं, उनकी तो नेचर है ना, तो उनकी नेचर के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, रिपेल, तो रिपेल होके डिस्प्लेसमेंट हो गई, वापस में दूर चले गए, तो किसने वर्क डन किया, मैंने किया, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने किया, तो आप या चार्जेस ने किया, चार्जेस ने किया, चार्जेस ने एक दूसरे को फोर्स लगाई रिपल्शन, और वो रिपेल होके दूर चले गए, मेरे को तो बुलाया भी नहीं उन्होंने कि सर आपकी जरूरत नहीं है, वो कहते हैं हम अपने आप एक दूसरे दूर चले जाएंगे, तो वर्क डन बाय चार्जेस को इसमें बोला जाता है चैप्टर में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मैं चाहता हूं कि उल्टा काम हो, वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस दूर ना जाएं, वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस पास आएं, तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस मैं चाहता हूं पास आएं, तो ऐसे केस में वर्क डन कौन करेगा, चार्जेस तो कहते हैं हम तो कुछ करते नहीं भाई, हम तो दूर जाने का काम करेंगे, पास लाने का वर्क डन आप करो, तो मेरे को बोलेंगे आप करो, तो मेरे को क्या बोलते हैं पूरी फिजिक्स में, एक्सटर्नल, ठीक, तो दो लोग काम करेंगे, एक करेगा ईएल, ईएल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो चार्जेस काम करते हैं इलेक्ट्रो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और एक है ई, ई का मतलब है एक्सटर्नल, लिखना चाहिए था ई एक्स, है ना, अच्छा लगता है ई एक्स एक्सटर्नल, पर जो किताब ने लिखा मैंने भी वही लिखा, तो मैंने ई लिखा था कि आपको घर जाके कोई और सिंबल ना मिले, तो मैंने भी ई लिख दिया, ठीक है, तो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक, मेरा वर्क डन और एक्सटर्नल का वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, मैं पास दूर पास लेके आता हूँ, वो दूर जाते हैं, उल्टा ही काम है, तो इसीलिए इसीलिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव, भाई अगर मान लो मैंने वर्क डन किया उनको पास लाने में, तो वो वर्क डन करेंगे अपने दूर जाने में, तो साइन क्या लगेगा इसमें, नेगेटिव, तो हम दोनों एक दूसरे को उल्टा काम करेंगे, या उल्टा भी बोल सकते हैं, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो दोनों का टोटल सम क्या आएगा, जीरो, कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो एक्सटर्नल का और इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेट वर्क डन क्या आएगा, जीरो, कोई डाउट इसमें, सही है, तो आज के बाद ये स्टेटमेंट लिखी होगी तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
कॉन्सेप्ट बोला ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या दिक्कत है उसमें, याद थोड़ा करना है। सुबह फॉर्मूले फॉर्मूले मत याद करना, हाथ रख रख के वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क इलेक्ट्रो एक क्या करना है, जीरो क्या करना है यार, पता ही है जीरो, खत्म। ठीक है, अब फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है। अब दो लोगों ने काम किया, मैंने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने किया, और हमने अगर फर्स्ट मेथड को देखें तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि जो भी आपने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। पर मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि वर्क डन तो दो टाइप के हैं, एक्सटर्नल ने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक ने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो बात ही नहीं हुई। बस यही कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्टिव वाला पूछ लेगा आपसे कि डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन एक्सटर्नल के वर्क डन के इक्वल होती है। जो मैं काम करता हूं मेरा वर्क डन स्टोर हो जाता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहां तक? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के दो तरीके, पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसी पे अगर उसने ऑब्जेक्टिव पूछ लिया और आपने कहानी ना सुन रखी हो, गारंटी है क्वेश्चन ठीक ना होता, फिर ए बी करते रहोगे, ए करेगी बी करे, ए करेगी, क्योंकि वर्क डन तो सर ने बताया था पर ये तो बताया नहीं कि कौन सा वर्क डन है, और नेगेटिव लगेगा कि नहीं लगेगा ये नहीं पता। अब वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो बहुत हाई एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें, वो कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, लोगों को आदत है इसमें काम करने की एक्सटर्नल में, वो क्या गेम खेलेगा, वो देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे साइन क्या लगा के देगा, नेगेटिव। अब लोग पूछेंगे कि यार पोटेंशियल जी नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको यूज कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, राइट? ये क्लियर है, चलें आगे नेक्स्ट। अब वो कहते हैं मान लो दो चार्जेस हैं और इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में कितनी है, आर वन है, और फाइनल सेपरेशन कितनी हो गई, आर टू। तो ये लो आर वन से आर टू, राइट? आपको क्या लग रहा है, जो मैंने ये डायग्राम बनाए, ये दोनों पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। किसने काम किया होगा, मैंने नहीं, चार्जेस ने, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई डाउट इसमें? सही है भाई, अगर पास लेके आते पॉजिटिव फिर तो मैं काम करता, इसमें तो वो दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब काम किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने। कितना किया, तो मान लो कि ये इसको दूर भेज रहा है और किसी भी इंस्टेंट पर इसकी फोर्स कितनी है, एफ है, रिपल्सिव है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एफ कहां पर है रिपल्सिव, राइट, dx भी कहां पर है, राइट, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, राइट, फोर्स भी कहां है, राइट, एफ और dx में एंगल क्या है, जीरो। इधर रिपल्शन लगी ना, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गई, तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो। अब ये वर्क डन कौन सा निकल रहा है, मैंने किया ये, नहीं मैंने नहीं किया, किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो लिख लिया यहां पर दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो किसी भी इंस्टेंट पर इनिशियल सेपरेशन आर वन है, फाइनल आर टू है, तो वो दूर हो रहे होंगे, तो किसी भी इंस्टेंट पर सेपरेशन एक्स होगी, होगी है ना एक्स, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस फोर्स कहीं पर भी। और टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है, तो इनिशियल सेपरेशन कितनी थी, आर वन, फाइनल कितनी है, आर टू, तो मैं आर वन से आर टू क्या कर दूंगा, इसे इंटीग्रेट। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, 1/x² की इंटीग्रेशन, x की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर -1/-1, तो यहां से माइनस बाहर आ गया, x की पावर -1 इज 1/x, कहां से कहां तक, r1 से r2 तक। तो एक बार अपर लिमिट पुट करूंगा r2, एक बार लोअर लिमिट पुट करूंगा r1, तो ये टर्म आ गई, माइनस अंदर चला गया, तो r1 वाली टर्म पहले, r2 वाली टर्म बाद में, तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट? क्लियर है यहां तक? दिस इज द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई डाउट इसमें? सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये बेसिकली क्या हुआ, ये मैंने क्या निकाला, अमाउंट ऑफ वर्क डन जब सेपरेशन आर वन से कितनी हो गई, आर टू, यही रूल किया था ना हमने, ऐसे ही किया। तो हम इसमें जब दो पोजीशंस लेते हैं कि आर वन
डिस्टेंस अपार्ट है दो चार्जेस, अब आर टू डिस्टेंस अपार्ट है दो चार्जेस, तो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, मैं बोलूंगा मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली। तो इसमें वो कहता है कि हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। आप कहेंगे ये ऐसे कैसे आपने ट्विस्ट ले लिया, पिछले एक लेक्चर से पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं लेकिन अब एकदम चेंज कैसे आ गया। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ये चेंज क्यों बोला मैंने, दो मिनट वेट करना। तो मैंने डिफाइन किया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब सेपरेशन R2 से R1 हुई उसको मैंने क्या लिखा, DU, DU का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब डेफिनेशन क्या कहती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। डेफिनेशन फिजिक्स ये बोलती है कि भैया ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज DU। पर मैंने आपको ये सिखाया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने तो ये बात की थी, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हम निकाल चुके हैं ये रहा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक ये रहा, तो क्यों ना एक काम करें ये पूरे का पूरा जो वर्क डन की वैल्यू आई इसको यहां पुट कर दें विद नेगेटिव साइन, यही रहने दें, तो क्या आ जाएगी आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक नेगेटिव और लगेगा, ये स्टेप समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, मैंने वर्क डन क्या निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक का निकाल लिया। फिर मैंने फिजिक्स से पूछा भाई डिफाइन करो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स मान लो ऊपर से आवाज आई, आकाशवाणी होती है, अभी फिजिक्स वाले बोलते हैं भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। पर मैंने कहा भाई मैंने तो एक्सटर्नल का वर्क डन निकाला ही नहीं, मैंने किसका वर्क डन निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो कहते कोई बात नहीं तुमने निकाल लिया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ना नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि तुमने ये निकाला तो तुम एक काम करो इस पूरे की वैल्यू यहां पुट कर दो तो अपने आप DU आ जाएगा। तो मैंने ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पुट किया विद नेगेटिव साइन ये रहा, तो मेरे पास क्या आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन अंदर गया आर टू फिर आ गया आर वन पीछे हो गया, तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया। आप कहोगे फिर अब क्या, ये तो उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड ही कर दिया आपने, इससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे, हमें कम से कम तीन फॉर्मूले तो याद हो गए थे, ये तो और ही उलझन डाल दी, तो मैं क्या करूँ इसका एक्सटर्नल एक्सटर्नल करके। मैं आपको बताता हूँ अब वो क्या करेगा, देखो क्या चीज़ निकालेगा। वो कहता है कि अभी सेपरेशन कहाँ से की हमने, अभी सेपरेशन ने आर वन से आर टू की, जो सेपरेशन है हमने कितनी की थी, हमने सेपरेशन की थी आर टू से आर वन, डायग्राम देखें, हमने सेपरेशन की थी हाँ आर वन से आर टू की थी, राइट सही है। अब वो कहते हैं काम करो, आप सेपरेशन आर वन से आर टू कर रहे हो ना, आप ऐसा इमेजिन करो कि आर वन कितना है, इन्फिनिटी, आर वन इन्फिनिटी समझते हो कि एक चार्ज यहां पर तो दूसरा कहां पर है, एट इन्फिनिटी, और फाइनल पोजिशन में आर टू कितना है आर, अरे ये तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, दिस इज नॉट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट या क्यू टू जो भी फ्रॉम कहाँ से इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो ये भी तो यही कह रहा है कि मान लेते हैं कि इनिशियल वो कहाँ पर थे दो चार्जेस, इन्फिनिटी, और कहाँ पर ले आते हैं हम उन्हें, आर पे, ठीक है। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस यूआई का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इस फॉर्मूले में मैं आर वन को क्या पुट करूं, इन्फिनिटी, और आर टू को क्या पुट करूं, आर, और वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो और क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो गई तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे होगा ना, जीरो क्यों होगा, क्योंकि इनमें से जब आप इसे ओपन करोगे, इसे ऐसे कर लो, चलो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई इन्फिनिटी। ये टर्म क्या है, यू एफ, ये टर्म क्या है, यू आई। साफ पता लग रहा है कि यू आई की वैल्यू इसमें क्या आएगी, जीरो। तो आपको क्या लगता है एनर्जी क्या आ गई, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर। अरे फॉर्मूला देखा लगता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो बिल्कुल सही बनाया उसने कि फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन, हमने भी तो वर्क डन निकाले हैं सारे,
तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. तो ऑटोमेटिकली वर्क डन वही आ गया जो हमने पहले निकाला था. आपको ये मेथड पसंद आया कि पहले वाला ठीक था? कोई मर्जी कर लो, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता. आपसे पूछ कौन रहा है? पेपर में कोई नहीं पूछ रहा आपसे, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. कल को अगर क्वेश्चन में उसने ऐसा पूछ लिया, कि क्वेश्चन जो आते हैं वो ये प्रूफ पे नहीं आते कि आपने कैसे समझा, क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल. आपको वो एनर्जी चार्जेस देगा और चार्जेस दे के वो आपसे क्या पूछेगा, एनर्जी की वैल्यू पूछेगा, जो आज हम लेक्चर में करेंगे. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक. तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई. आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो नहीं आएगा प्रूफ. प्रूफ तो चलो ठीक है, आप करो ना करो कोई फर्क नहीं है. ये आएगा, वो कहेगा दो चार्ज है, दो चार्जेस में सेपरेशन कितना है, 3 मीटर है, और मैंने बाद में उनको क्या किया, कितने मीटर अपार्ट कर दिया, 1 मीटर. तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब चाहे मेथड नंबर 1 यूज कर लो, चाहे मेथड नंबर 2 यूज कर लो, आपको ये तो पता लग ही चुका है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q1Q2 क्या होता है, आर होता है. तो क्यों ना ऐसा करें, पहले ये स्टेट है, इसकी इनिशियल एनर्जी निकाल लें 1/4πε0(1)×2/3, फिर फाइनल एनर्जी निकाल लें 1/4πε0(1)×2/1, स्क्वायर मत कर देना. तो आपके पास क्या आ जाएगी, इनिशियल एनर्जी आ गई, आपके पास फाइनल एनर्जी आ गई, फिर आप फाइनल में से इनिशियल को क्या कर लें, माइनस. तो क्या आ जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. न्यूमेरिकल आसान है, थ्योरी में तो मुझे पता नहीं क्या आपने समझा, लेकिन न्यूमेरिकल मेरे को लगता है ज्यादा बेटर है. आप अब ये पूछेंगे सर मेथड 1 मेथड 2 में फर्क क्या है, याद करें मेथड 1 जो लास्ट टाइम किया था, चार्ज रखा था, सेकेंड चार्ज को कहां से लेके आए थे, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस. तो ये चार्ज इसे क्या कर रहा था, रिपेल, लेकिन मैं जबरदस्ती लेके आ रहा था पास. तो वर्क डन किसने किया, एक्सटर्नल, मैंने किया था, इसलिए नेगेटिव साइन का कोई चक्कर पड़ा ही नहीं. लेकिन आज के लेक्चर में जब मैंने वर्क डन किया, तो वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक. पर फिजिक्स क्या कहती है कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल. तो हमने मेथड नंबर 1 में सीधा एक्सटर्नल का ही वर्क डन निकाल दिया था, तो हमें ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी. पर आज हमने जो वर्क डन निकाला वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का निकाला, तो हमें माइनस साइन लगा के उसको एक्सटर्नल बनाना पड़ा. ये फर्क है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सही. तो ये इनमें डिफरेंस है, लेकिन आना ये है जो मैं बता रहा हूं, इसमें कोई नेगेटिव साइन का चक्कर नहीं. बस इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो और फिर माइनस कर दो, डन. ठीक. अब कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन कर लेते हैं मेथड नंबर 2 से. वैसे मर्जी आपकी, नहीं भी करोगे तो भी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, बट अगर कर भी लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि है एक स्टेप का काम. जब आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल चुके, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बात एक ही है. ये आपने निकाल लिया. तो इसमें आपने चार्ज Q2 को मूव करवाया, मान लो आप क्या निकालना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इस Q2 को इसके नीचे ले आओ, Q2 को इसके नीचे ले आओ. तो जब आप Q2 को इसके नीचे लेके आओगे, तो एक तरीके से आप क्या निकाल रहे हो, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q2. इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. पर इट्स ओके, आप ये डेफिनेशन नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ तो बता ही चुका हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो भी होगा उसको चार से डिवाइड करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस. तो ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक. तो जैसे मेथड 1 नंबर 1 में हमने निकाली पहले एनर्जी, फिर निकाला हमने पोटेंशियल, फिर निकाला पोटेंशियल डिफरेंस. मेथड नंबर 2 में पहले हमने क्या निकाली, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसमें से निकली पोटेंशियल एनर्जी, उसमें से निकला पोटेंशियल का डिफरेंस, और इसी में से क्या निकलेगा, पोटेंशियल. तो पोटेंशियल क्या चीज है, देखो जब हमने आज पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाला था, तो ये निकला था वर्क डन, ये आया था जब हमारी सेपरेशन R1 से R2 हो गई थी, ये था. अगर इनिशियल सेपरेशन इंफिनिटी है और फाइनल R है,
तो ये इन्फिनिटी है और ये आर है, जैसे पहले किया था, तो हमारे पास क्या आई थी, पोटेंशियल एनर्जी, यही था ना, इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, एक चार्ज को इन्फिनिटी से आर लेके आ रहे हैं, तो ये आपके पास यही आंसर आया था ना एनर्जी का, ये रहा 1/4 πε₀ Q1 Q2 r, बस पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में तो डिफरेंस ही नहीं है। आपने मान लो Q2 चार्ज को आप मूव करवा रहे हो, तो आप कुछ ना करो, इसमें से Q2 को इसके नीचे ले आओ, ये क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। बस फर्क ये है कि पोटेंशियल के अंदर हम चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से आर। पर मेरे को लगता है मेथड नंबर वन इसमें ज़्यादा बेटर था, इतना कन्फ्यूजिंग नहीं था, बट ये भी इट्स ओके, तो क्योंकि वो एक मेथड नंबर टू फॉर्मुलेट कर चुका है, तो उसी से तीनों चीज़ों को निकाल रहा है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ से ना करें, पोटेंशियल को भी यहाँ से ना करें, इट्स ओके, आपको तीनों फॉर्मूला समझ में आ गए, तो मेथड नंबर वन ही फॉलो करें, मेथड नंबर टू से एक चीज़ फॉलो कर लें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या फ़र्क है, बस ये समझ में आ गया, तो ये प्रूफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेथड नंबर टू ऑप्शनल लिख दें, करने की जरूरत नहीं है, लिख दें, आपको मतलब एक ही मेथड फॉलो करें ना, फिर कन्फ्यूजन होगी, तो मेथड नंबर टू ऑप्शनल लिख दें, और वर्क डन एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार लगा लें कि बस मेरे को यही पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। वो भी इसलिए करवा रहा हूँ कि कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाए तो एटलीस्ट आपको दिक्कत ना हो, आपको पता हो कि एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है रोहन? यस सर। ओके, अब एक काम करते हैं, कब तक यही करते रहेंगे, पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, देखो कहीं तो कुछ तो कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, पर उसको बनाने से पहले एक काम करते हैं, मैं आपसे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि आपको इसको लगाना कैसे है। राइट, देखो, तो आज के बाद अगर आपको कोई चार्ज आप को अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो किसी सिस्टम की, ठीक है, मैं आपको पूरी समराइज कर रहा हूँ और फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कैसे याद करने हैं, अंदर की कहानी तो ठीक है, इधर वर्क डन कर लिया, उधर वर्क डन कर लिया, कुछ नहीं किया, असली चीज़ अब है। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो आपको दो चार्जेस गिवन होंगे, Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, 1/4 πε₀ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डन। जब वो ये पूछेगा कि Q1 एंड Q2 के बीच में सेपरेशन R1 थी, Q1 एंड Q2 में सेपरेशन R2 हो गई, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ये लगाएंगे, आपको पता है कि इनिशियल ये स्टेट है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है, वो ये आएगी R2, ये R2 कर लेते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को लेंगे बाय R2 माइनस 1/4 πε₀ Q1 Q2 बाय R1, और दोनों को माइनस करके क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट इसमें? तो दो टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप, सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाएगा एक -2 कूलम चार्ज है, एक 3 कूलम चार्ज है, वो कहेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो। देखो वो चेंज तब तक नहीं कहेगा जब तक आपको दो पोजीशंस को चेंज करके नहीं देगा, है ना, मान लो वो 2 सेंटीमीटर पार्ट थे, वो 3 सेंटीमीटर पार्ट हो गए, देखो फिर तो चेंज की बात आती है। जब एक फिक्स डिस्टेंस अपार्ट है, दो चार्जेस मान लो 2 मीटर अपार्ट है, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आंसर क्या होगा, 1/4 πε₀, माइनस लगाना है कि नहीं लगाना, लगाना है। फोर्स के न्यूमेरिकल में, फॉर्मूलाज में नेगेटिव नहीं लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लगाना, दोनों वेक्टर हैं, पोटेंशियल में लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी में लगाना है नेगेटिव। तो दिस इज द आंसर, नेगेटिव एनर्जी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो इसमें तो आप कहोगे बस और न्यूमेरिकल दो करने के लिए, न्यूमेरिकल कहाँ से दूँ, कितने चार्जेस चेंज कर दूंगा, आंसर क्या है यार, एक फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब चैप्टर में कुछ तो और छुपा हुआ है जो हमें कुछ करना पड़ेगा, और तब न्यूमेरिकल बाहर आएंगे।
और आएंगे, बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। तो क्या वो करना पड़ेगा बताता हूँ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, ई और वी का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तब चलेगी गाड़ी आगे। तो आधे न्यूमेरिकल मतलब उसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, उसी न्यूमेरिकल में पोटेंशियल का भी लगेगा, तो कॉम्बिनेशन। तो अभी हमने एक फेज कर लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लिया, तो अब हम किसके ऊपर किसको समझ रहे हैं, पोटेंशियल को एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। फिर हम दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अकेले में तो कुछ बनेगा ही नहीं ये आंसर, इससे ऊपर तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आगे अब अगर आप बात करते हो, ये पहला केस है क्या, एनर्जी का। दूसरा केस पोटेंशियल। पोटेंशियल में आपको कोई भी एक ही चार्ज गिवन होगा क्यू, और दूसरा चार्ज दे ना दे मर्जी है उसकी। तो आपको ये पूछेगा कि यहाँ पोटेंशियल निकालो अपने मन में, जहाँ पोटेंशियल निकालना है प्लस वन, तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टेन डिवाइडेड बाई टू वोल्ट या जूल पर कूलम इज द आंसर। वर्क डन बाय चार्ज, बोलो वर्क डन दे ही नहीं उसने, वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू ले लो और आर ले लो, तो मैं वर्क डन कहाँ से लेके आऊँगा, फिर तो क्यू बाय आर लगाऊंगा। आप ये पूछो फिर वो कब लगेगा वर्क डन बाय चार्ज, वो तब लगेगा जब मैं क्वेश्चन वर्क डन और चार्ज की फॉर्म में पूछूंगा। वो अगली शीट में मैंने न्यूमेरिकल करके दिखाए हैं कि उस टाइप की प्रॉब्लम को करना कैसे है। आ रहा है वो भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, हर टाइप का ना एक न्यूमेरिकल ले लिया कि कब कौन सा न्यूमेरिकल में कब फॉर्मूला लगेगा, उसके सारे टाइप मैंने शीट में डाल दिए हैं। तो आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं वो टाइप दिखाऊंगा आपको कि कब ये न्यूमेरिकल में ये लगेगा, इस न्यूमेरिकल में ये लगेगा, इसमें ये, इसमें ये। फिर आप होमवर्क ट्राई करना, फिर आपसे एक फ्लो में एक ही गो में चीज़ें सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नहीं तो आधा बता के भेजूंगा तो आपको आप ले आओगे सर पोटेंशियल में नहीं आ रहा, तो पहले एक बार देखते हैं, ये क्लियर है। और तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बता चुका हूँ कि क्यू चार्ज गिवन होगा, आर वन पे वी निकालना है, फिर आर टू पे वी निकालना है, दोनों को माइनस करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मेरे को अब जो असली चीज़ इसमें बतानी है वो तो ये है ही है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। आप कहोगे इसमें क्या, ये तो आता है। मैंने कहा क्या, आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना, उसके अमाउंट ऑफ वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और पोटेंशियल का मतलब इन्फिनिटी से ही चार्ज को लेके आना, लेकिन यूनिट चार्ज को लेके आना, उसके वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं। सही बोला, न्यूमेरिकली बताना है क्या डिफरेंस है। तो न्यूमेरिकली में करना भी क्या है, कुछ भी नहीं। आप क्या करोगे, दोनों के फॉर्मूला लिखो, दोनों को डिवाइड कर लो, यू और वी का रिलेशन आ जाएगा। करें, ये देखो, सपोज Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज R डिस्टेंस दूर, V क्या लगाएगा, 1/4πε Q1/R लगा दिया फॉर्मूला V का। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, अब Q1 Q2 दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ अगेन R, मतलब यहाँ पर चार्ज पहले छुपा लिया Q2, लेकिन एक्चुअल में चार्ज पड़ा हुआ था कितना Q2। तो आप ये कहेंगे छुपाया क्यों, यहाँ पर चार्ज Q2 पड़ा हुआ था। अब चार्ज अगर Q2 पड़ा है और Q1 का पोटेंशियल इसके ऊपर अगर आए, तो Q2 अपने ही ऊपर कभी भी पोटेंशियल नहीं लगाता। याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने किसी भी पॉइंट पे कोई चार्ज अपने ही ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाती थी, ऐसे ही ये Q2 इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो ये अपना पोटेंशियल तो लगाएगा नहीं। कौन लगाएगा पोटेंशियल, इस पॉइंट के आसपास जितने चार्जेस हैं वो लगाएंगे पोटेंशियल। तो इसलिए अगर आपको ये Q1 गिवन है और ये Q2 गिवन भी है, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर V निकालो, जितना मर्जी चार्ज पड़ा हो आपने देखना नहीं है, आपने मन में क्या सोचना है, क्या पड़ा हुआ है प्लस वन। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्कीम थी ना कि जितना मर्जी चार्ज पड़ा हो देखना नहीं है, वहाँ उड़ा दो, उसकी जगह क्या लिखो प्लस वन। क्या ये रूल क्लियर है? तो यहाँ पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा। और अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, फिर यहाँ पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पर मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि Q1 ने यहाँ कितना पोटेंशियल लगाया, आपने मेरे को बता दिया डन। फिर मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ तो Q2 चार्ज था वैसे, ठीक है वो पोटेंशियल लगा नहीं रहा था, अपने ऊपर कोई पोटेंशियल लगाता नहीं है, पर इसकी एनर्जी बोलो सिस्टम की क्या होगी। देखो एनर्जी का कोई पॉइंट नहीं होता, पोटेंशियल का पॉइंट होता है। पोटेंशियल में बोलता हूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, एनर्जी में बोलता ही नहीं इस पॉइंट पे एनर्जी बताओ, क्या बोलता हूँ सिस्टम की एनर्जी बताओ। मैंने वर्क डन किया, मैंने यहाँ वर्क डन किया। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है यार, मैं काम करके आया हूँ तो
वर्क डन का कोई पॉइंट नहीं है, वर्क डन तो वर्क डन है जूल में, पोटेंशियल का पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है, फोर्स लगने का भी पॉइंट है, पर एनर्जी का कोई पॉइंट नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, 1/4πε0Q1Q2/R। ये भी क्लियर है यहाँ तक, लिख लिया। एक काम करो, इसे डिवाइड कर दो। जब आपने इन्हें डिवाइड किया एनर्जी एंड पोटेंशियल को, तो Q1R ये सब कैंसिल, तो क्या बचा Q2, तो क्या आया U इज इक्वल टू V इंटू Q2। तो एनर्जी इज चार्ज इंटू पोटेंशियल, एनर्जी जो है सिस्टम की चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब, ठीक है डिवाइड किया आंसर आ गया, इसको यूज़ कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए काम करो। आपको अब दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में। पहला, आपको वो दो चार्ज देगा Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय R, और आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4πε0Q1Q2R। तो आपको एनर्जी निकालने के कितने चार्जेस चाहिए, तो एक चाहिए Q1, एक चाहिए Q2। डन मृदुल, ठीक है, एनर्जी आ जाएगी। लेकिन अब आज के बाद कभी कभी ऐसा नहीं होगा, वो आपको दो चार्जेस नहीं देगा, वो आपको सिर्फ क्या देगा, एक ही चार्ज देगा। उसने एक चार्ज दे दिया कितना, Q2, और उसने ये बता दिया कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लग रहा है, और किसने लगाया होगा, Q1 ने, लेकिन Q1 नहीं दे रहा, मतलब यहां पर पड़ा होगा Q1 ने, यहां पोटेंशियल भी लगाया होगा V, उसने छुपा लिया Q1 नहीं दिया, लेकिन Q1 का लगाया हुआ क्या दे दिया, पोटेंशियल दे दिया। पर हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर सिस्टम की जो एनर्जी थी उसका फॉर्मूला क्या आया था, यहां पर पड़ा हुआ चार्ज और इंटू इसका पोटेंशियल। तो ये सेकेंड तरीका हो गया एनर्जी निकालने का। क्या तरीका हो गया, कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, उस पॉइंट पर किसी अलग चार्ज ने वहां पोटेंशियल लगाया हो भी, तो आप उस चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगी, एनर्जी। जैसे यहां पर मैं आपको वी दूंगा और यहां पर चार्ज दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एग्जाम्पल ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई होता है, एंड गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है ई, और उस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट पे रखा जहां पर पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट किसने लगाया, इलेक्ट्रॉन ने। 10 वोल्ट किसने लगाया इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन ने, और को तो चार्ज तो दिख नहीं रहा, तो किसने लगाया, किसने लगाया, जोर की बोलो यार, वाह शाबाश। मैं कितनी देर से कह रहा हूं, एक पॉइंट पे अगर कोई चार्ज पड़ा है तो वो अपने ऊपर पोटेंशियल नहीं लगा सकता, और तुम फिर बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन ने। और मैं तुम्हें यह भी बता चुका हूं कि भैया ये Q2 चार्ज पड़ा है, मान लो इलेक्ट्रॉन पड़ा है और ये पोटेंशियल लगा, भाई क्या ये Q2 ने लगाया अभी, नहीं, ये किसने लगाया होगा, Q1 ने, एक छुपे हुए चार्ज ने पोटेंशियल लगाया जो आपको दिखा नहीं रहा वो जान के। अरे वो चार्ज अगर आपको दे देगा, फिर तो आप 1/4πε0Q1Q2R नहीं लगा लोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन चार्ज इस पॉइंट पे, और यहां पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, किसने लगाया, जिसने भी लगाया यार, कम से कम इलेक्ट्रॉन ने नहीं लगाया, आसपास कोई चार्ज पड़ा होगा, उन्होंने लगा दिया होगा पोटेंशियल, वो चार्ज तो मुझे पता नहीं। हाँ मुझे बताओ कि वो जो छुपा हुआ चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब या तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/4πε0Q1Q2R, मेरे पास Q2 तो पता ही नहीं, एक चार्ज तो मुझे पता है, दूसरा तो मुझे पता ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो भी क्या आ जाएगी, सिस्टम की एनर्जी। तो मैंने यही तो किया, एनर्जी क्या होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जितना उसके पड़ोस के चार्ज ने पोटेंशियल लगाया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, तो क्या आई एनर्जी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप केमिस्ट्री में बहुत देर से पढ़ते आए हैं ये, कि एक एनर्जी की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट्स हैं, सिखाए किसी ने, सिखाए होंगे जरूर, सुना होगा, पर ये थोड़ा सिखाया होगा कि कहां से बने, ये सिखाया होगा जूल भी एनर्जी के वर्क डन है, एनर्जी के यूनिट्स हैं,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हैं, और ये सिखाया होगा कि भैया जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन होता है ना और जूल में कन्वर्ट करना होता है, उसको मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ से, तो आंसर जूल में आ जाता है। ऐसा किया कभी? नहीं किया कभी? केमिस्ट्री में किया होगा कभी ना कभी, नहीं किया तो कर लेंगे अभी इस साल। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट सुने हुए हैं, तो लेकिन एनर्जी के यूनिट तो जूल होते हैं, तो जूल तो अपने ही हो गए, क्योंकि जब ई के ऊपर चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो अपने आप ही एनर्जी के यूनिट किस में आ जाएंगे? जूल में। तो समझ में आ गया यहां तक? तो इतनी एनर्जी किसे मिली? इलेक्ट्रॉन को मिली, क्योंकि वह 10 वोल्ट पोटेंशियल पे पड़ा हुआ था। उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन ने भागना शुरू कर दिया, तो बोलो वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की। तो आपको यह पता लग गया कि एनर्जी कितनी मिली इलेक्ट्रॉन को, भागना शुरू किया तो इट विल एक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा, मास ऑफ वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। अब इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी आपको, एक प्रोटॉन को पोटेंशियल दिया 20 वोल्ट, बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो एक प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? वही सेम ई, और कितना पोटेंशियल दिया? 20 वोल्ट। तो कितनी एनर्जी आ गई उसके पास? ई इंटू 20 वोल्ट, कितना? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में बोलो 20 × 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये एनर्जी ही क्या होगी इसकी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या ये रूल समझ में आया? कोई डाउट इसमें? क्लियर है रूहान? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें, हेलो, देखो जो नेक्स्ट है इसमें, अब क्या हुआ कि हमने अभी तक जो नंबर ऑफ चार्जेस लिए वो कितने लिए अभी तक? पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्जेस के लिए? सिर्फ 2। कहते जरूरी थोड़ा कि 2, 3 भी तो हो सकते हैं चार्जेस। तो 3 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालो सिस्टम की क्या होगी। तो अगर 3 चार्जेस की निकालनी है तो चलो बनाते हैं। कैसे? 3 चार्जेस इनिशियली कहाँ पर पड़े होंगे? इन्फिनिटी पे। डेफिनेशन यही बनती है ना कि चार्जेस को कहाँ से लाना होता है? इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से उठा के मैं पहले चार्ज को लेके आता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी है? Q1। रख दिया, क्या किया? वर्क डन किया। कितना किया? 0। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी कोई चार्ज था ही नहीं जो हमें रिपेल कर सके, तो मेरा एफर्ट क्या है? 0। ये वही एग्जांपल है, 3 बच्चों को लेके आना है क्लास में, क्लास खाली थी, तीनों घर बैठे थे, घर को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। पहले एक बच्चे को ले आए, तो चल क्लास में, ये कहता चल पढ़ता हूँ, बैठ गया आगे, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, 0 वर्क डन। दूसरे को लेके आए, अब दोनों, क्योंकि तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा कहता है मैं नहीं आऊँगा इस क्लास में क्योंकि ये मुझे रिपेल करेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ा? वर्क डन। तो पहले का वर्क डन 0, दूसरे का वर्क डन काउंट होगा। अब तीसरे को घर से पकड़ के लाना है, तीसरा कहता है मैं तो बिल्कुल भी नहीं आता, दोनों मेरे को रिपेल करेंगे, मैं कहा कोई बात नहीं वर्क डन मैं ज़्यादा कर दूंगा। अब मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट बोथ फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी वर्क डन करूंगा W3, तो W1 कितना था? 0। W2 कुछ था, W3 और भी था, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? W1 प्लस W2 प्लस W3 बस होगी पोटेंशियल एनर्जी। यही तो इसमें करना है, रखो 3 चार्ज इन्फिनिटी पे, पहले चार्ज का वर्क डन 0, खत्म। तो Q1 रख दिया, और पोजीशन ये बनानी है थोड़ी देर में, ये बनना चाहिए। तो पहले एक को रखा, दूसरा Q1 को रखा हुआ है, अब किसको उठा के लेके आना है? Q2 को। अब Q2 को रखने से पहले ये बताओ कि इस पॉइंट पर, Q2 को भूल जाओ, इस पॉइंट पर Q1 ने क्या लगाया? पोटेंशियल कितना? 1/4πε0 Q1/r12। कोई डाउट इसमें? ये पोटेंशियल लग गया। अब यहां पर चार्ज कितना रखना है? Q2। यहां पर पोटेंशियल कितना लगा हुआ है? V। तो मुझे
वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल कर दे सीधा, यहाँ का चार्ज कितना है Q2 और पोटेंशियल कितना है V, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल ही अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। तो मैंने अपना नया फॉर्मूला यूज़ कर लिया, चार्ज इनटू पोटेंशियल, मैंने कितने चार्ज को रखना था Q2 और वहाँ पर कितना पोटेंशियल पड़ा हुआ था V, तो किसने लगाया था V, Q1 ने, तो Q1 ने वहाँ पोटेंशियल कौन सा लगाया, पॉजिटिव पोटेंशियल की नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव, क्योंकि खुद क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या चाहेगा कि उसके दायरे में कोई और पॉजिटिव चार्ज ना आए। पर आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उठा के Q2 को रख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, तो कितना करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वी की वैल्यू मेरे को मालूम है ये रही, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या स्टेप क्लियर है, राइट ओके। तो दूसरा चार्ज भी प्लेस हो गया। तीसरा, पहला चार्ज कितना था, Q1 रखा गया, Q2 रखा गया, अब Q3 रखने से पहले ये बताओ, Q3 रखने से पहले कि यहाँ पर पोटेंशियल होगा, कौन लगाएगा, Q1 भी लगाएगा एंड Q2 भी लगाएगा। Q1 कितना लगाएगा, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R(1,3), क्लियर है। और Q2 कितना लगाएगा, 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R(2,3), क्लियर है। दोनों ने पोटेंशियल लगाया, फिर से चार्ज कौन सा केस, ऊपर वाला, ये वाला पहला, ये वाला, यहां पे Q2 चार्ज को रखने, Q1 का वर्कडन जीरो। इस Q1 ने यहां क्या लगाया, पोटेंशियल, कितना लगाया, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R(1,2). तो मेरे को अगर वर्क डन करना है तो Q2 को इससे क्या करूं, मल्टीप्लाई, आंसर। फिर मैंने कहा कि तीन चार्जेस हैं और मेरे को इन थर्ड चार्ज को रखना है Q3। Q3 रखने से पहले यहां पर पोटेंशियल लगा होगा V-, किसने लगाया, एक Q1 ने लगाया, कितना, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R(1,3), और Q2 ने कितना लगाया, 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R(2,3), क्लियर है। तो ये V- आ गया। अब मेरे को चार्ज रखना है Q3। Q3 को किससे मल्टीप्लाई किया, V-, Q3 को V- से मल्टीप्लाई किया, थर्ड वर्क डन आ गया। तो ये Q3 है और ये V- है, इन्हें मल्टीप्लाई किया, Q3 इससे मल्टीप्लाई, ओपन करके दो टर्म्स आ गई, क्लियर है। अब मेरे पास फर्स्ट वर्क डन आ गया जीरो, दूसरा वर्क डन जो आया वो ये आया, तीसरा वर्क डन ये आया, टोटल वर्क डन क्या होगा, W1, W2 एंड W3 ऐड किया तो ये आया। आज के बाद जो पहले किया, जो सब कुछ किया वो करना नहीं है, और आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है। एक मिनट का फॉर्मूला है, देखो इसमें फॉर्मूला ये बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया कि आपके पास ये तीन चार्जेस है ना, ये देखो आपके पास ये तीन चार्जेस हैं, तो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये पूरे जब न्यूमेरिकल आएगा ये कुछ नहीं करना, दो चार्जेस की एनर्जी का फॉर्मूला पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 R, तो पेयर लेना है एनर्जी का, पहला पेयर 1/4πε0 Q1 Q2 R 1,2 ये रहा, दूसरा 1/4πε0 Q1 Q3 R 1,3, तीसरा पेयर 1/4πε0 Q2 Q3 R 2,3, डन हो गया, आंसर आ गया। तो मतलब इतना ये तो किया समझाने के लिए किया, लेकिन एक्चुअल में आपको एनर्जी लिखनी आ गई, कुछ नहीं करना, दो दो पेयर ले लेने आपने, पहले एनर्जी इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, ऐड आंसर। तो बढ़िया है यार, मैं तो बोल ही रहा था एनर्जी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसमें वेक्टर वेक्टर करते रहते हैं, तो कुछ नहीं करना, वे फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, अरे ठीक है, निकालनी आ रही है एनर्जी, अच्छा चलो ठीक है, चार ले लेते हैं भाई, चार का प्रूफ नहीं करवाते, तो प्रूफ आ तो गया, कितने पेयर ऑफ एनर्जी बनेगी बोलो, चार में, चार, क्या बात है, जल्दबाजी में हो, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनर्जी आएंगी, तो 1/4πε0 Q1 Q2 R 1,2 प्लस दिस इनटू दिस बाय दिस 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 दिस इनटू 6 एनर्जी, आंसर। समझ में आया यहां तक,
पेयर ढूंढने, कितने कितने पेयर हैं, कोई डाउट इसमें? आप कहेंगे कि सर पेपर में क्या बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगानी पड़ती है, कितने चार्ज का कॉम्बिनेशन आएगा? दो तीन चार, बस पांच तो मैंने कभी देखे ही नहीं, पांच में तो हिल ही जाओगे, पांच तो कोई देखा ही नहीं, होया ही नहीं। तीन ही, तीन संभाल लो तो बड़ी बात है, तीन चार्जेस संभलेंगे नहीं, तीन ही बहुत है, ठीक है? तो ये लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, या छोड़ो इस क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये लो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये लो। सपोज आपके पास 2 कूलम चार्ज है, माइनस 10 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, 5 मीटर है, 7 मीटर है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी? पेयर कितने हैं, कितनी एनर्जी आएंगी? तीन कि दो? तीन चार्जेस, तीन का चक्कर नहीं। अच्छा चलो ऐसे बोलो, तीन चार तीन ऐसे बोलो, ये आपके पास पहला पेयर है तो 1/4πε0 2×3/5, दूसरा 3 और -10 तो 1/4πε0 3×-10/7, लास्ट 1/4πε0, इसका और इसका पेयर भी तो बनेगा, तो कितना बनेगा? 2×-10/ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 12। ऐड कर लेना, सॉल्व करना आंसर। क्या आपको मेथड समझ में आया कि तीन एनर्जीज कैसे निकलेंगी इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नीट वालों को लास्ट टाइम जो असाइनमेंट दी थी वो अगले चैप्टर की चली गई गलती से, तो मैंने व्हाट्सएप पे डाला भी था वो जो चैप्टर है, तो चाहते हुए प्रिंट आउट दे दूंगा मैं आपको, नहीं तो मैंने व्हाट्सएप पे डाली दी है, मैं आपको प्रिंट आउट जो दे दूंगा। मेंस वालों ने ट्राई की, कुछ क्वेश्चन ट्राई किए, बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नई वैरायटी है, तो वो लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई, आप अपनी शीट्स रेफर करोगे ना, मैं बता रहा हूँ SHM वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट वाले जो मैं करवा रहा था कि अगर वो निगलेक्ट करना है एक्स की नहीं करना, अगर आप देखोगे वैसे भी हैं, तो अच्छा दिमाग लगता है उसमें, आप ट्राई करो, आपको ही ट्राई करना है, तो एक बार जो है प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है? और जैसे जैसे आगे चैप्टर चलते जाएंगे वैसे और शीट देता जाऊँगा, ताकि आप अपार्ट फ्रॉम बुक्स इन क्वेश्चन को भी ट्राई करते रहो। जिन्होंने तो देखो कुछ करना है उन्हें तो ये शीट्स कर ही लेनी है, मेरे को इतना मालूम है, जिन्होंने जिनका 50-50 है, कभी कभी उठा लेंगे, कभी कभी नहीं उठाएंगे, दो कर लिए छोड़ दी, दो कर लिए छोड़ दी, जिन्होंने तो NCERT करनी है वो उठाएंगे ही नहीं, वो हमारे काम की नहीं है, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही गेन करेगा जो करेगा, जिसने सोच रखा है, मैं फिर कह रहा हूँ उसने तो कर ही लेना है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यही काम दिया उसे लास्ट ईयर, उनको भी यही काम दिया, कोविड के अंदर लोग आए नहीं प्लस टू के, एक देखा भी नहीं कई लोगों को मैंने, देखा क्या पूरा बैच को नहीं देखा, प्लस टू वाला बैच को तो देखा ही नहीं, एक साल ही पूरा ऐसा रहा यार, तब भी 99 से ऊपर परसेंटाइल आ गया, उनको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डालते थे वो तो कर लेते थे उससे सॉल्व, और जिसे नहीं करना हम वो कहते थे कोविड है यार, हो नहीं रहा। अब देखो वो बच्चा जो सारे उन्हीं सरकमस्टांसिस में काम कर रहा है वो तो काम करे जा रहा है, उसको तो कोई रोक नहीं पा रहा, और जिसे नहीं करना उसको एक बहाना मिल गया कि चल यार अब कैसे काम करेंगे, मुश्किल हो रही है, तो आप और अब तो बहाना भी नहीं है, अब तो ऑफलाइन है, और ऑफलाइन है प्रिंटआउट्स हैं, अब तो ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटर पर बैठा लेक्चर भी नहीं दे रहा सुनने के लिए, और तो छोड़ो वो भी बंद हो गया, और क्या चाहिए बताओ, है कि नहीं? तो करने वाले तो कुछ कर ही लेंगे। वैसे बता दूं आपको, अब आपका आज 14 है, आपका मई का भी आधा महीना गया, अप्रैल तो गया ही गया, आपका आधा महीना और गया, 15 डेज और 2 महीने आउट हो जाए, दो आपके जो है 9 महीने का टारगेट रखा गया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने ज़ूम करते हैं, दिसंबर के अंदर अगर हम एंड में कोर्स को लेके जाएं, 9 महीने हैं, तो 9 महीने में से आपका 1.5 महीना ख़त्म है। मैं कैलेंडर दिखाता रहूँगा आपको कि समय ज़्यादा नहीं है, फटाफट काम ख़त्म करना है, दिसंबर आया नहीं, JEE मेंस का फॉर्म आउट,
बस फॉर्म फिलिंग स्टार्ट, पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या एकदम। तो टाइम जिसका देखो इतना कम भी नहीं है, इतना ज़्यादा भी टाइम में डरने की जरूरत नहीं है। टारगेट बनाओ, बस आप एक काम कर लो, जो आप काम कर रहे हो ना उसको ढंग से कर लो, बस आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी। अगर आपका बैकलॉग इकट्ठा हो गया ना, फिर वो मैनेज नहीं होगा प्लस वन की तरह, क्योंकि बीच में प्लस वन भी फिट इन करनी है। अभी पूरी प्लस वन फिट होएगी बीच में दिसंबर जनवरी फेब के अंदर, 3 महीने के अंदर। तो सोचो कितना लोड हो जाएगा प्लस टू की किताबों के ऊपर, प्लस वन को रख देगा, है कि नहीं? तो जिनका टारगेट है तो वो उसी अकॉर्डिंगली काम करें। हाँ, जिनका नहीं है ठीक है, वो सोच रहे हैं 9 के बाद अभी 2-3 महीने और भी तो पढ़े हैं, क्या टेंशन है, तो कर लेंगे तैयारी। बोर्ड्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, सफिशेंट ईयर है, बोर्ड वालों ने बिल्कुल सोच समझ के टाइम दिया है। यही क्वेश्चन है, तीन चार्ज हैं, तीन चार्ज में एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, 1/4πε0 Q1 Q2 R, कर लिया क्वेश्चन हमने, ये ठीक है यहाँ तक, ये बढ़िया है। मैं चाह रहा था कि आप खुद ही करो इसे, आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको मत देखना अभी ऐसे। थ्री चार्जेस माइनस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी डिस्टेंस ले लें आर एंड आर, ठीक है, माइनस क्यू क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, रेशियो ऑफ चार्ज निकालनी, आंसर निकालो। तो इसमें तीन चार्जेस आपने लिए, माइनस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय आर, तो सिस्टम की एनर्जी देखें 1/4πε0 माइनस क्यू क्यू बाय आर, फिर क्यू माइनस क्यू बाय आर, फिर माइनस क्यू बाय 2R इक्वल टू जीरो। तो उसके बाद मैथ्स है, फिजिक्स खत्म होगी, बोलो। पॉजिटिव लगा दिया, हाँ, राइट, आएगा या माइनस क्यू आएगा, राइट, करेक्शन कर लेना, माइनस क्यू, राइट। अच्छा, मैं दोबारा से देख लेता हूँ एक बार, माइनस क्यू क्यू बाय आर, ओके, क्यू माइनस क्यू बाय आर, ओके, माइनस क्यू, ओके, डन, सही है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें से इन्हें देखो, ये तो जीरो से कट ही गया ना, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल जी वो कह रहा है इक्वल टू क्या है, जीरो, तो गया। रादर इसमें से क्या बचा, माइनस क्यू क्यू बाय आर, इसमें से क्या बचा, माइनस क्यू क्यू बाय आर, इसमें से क्यू स्क्वायर बाय 2R, तो इसमें से आर 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 भी गया जीरो से, छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू भी गया, तो सॉल्व करके क्या बचा, बस ये टर्म बच गई है ना, यहाँ से बचा माइनस क्यू, यहाँ से माइनस क्यू, यहाँ से क्यू बाय 2, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2Q, ये इधर चला गया सॉल्व करके, तो क्यू बाई क्यू का रेशियो 1:8 नहीं 1:4 है, डन। मेथड समझ में आ रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम एनर्जी पे आएगी, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है? निकाल, ठीक है, खत्म होगी एक और शीट, ठीक है।
शीट नंबर क्या थी? 21. ताकि हम भूल ना जाएं कि हमने क्या किया, फिर से मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए. बार बार आते रहेंगे फॉर्मूला शीट में ताकि रिवाइज करते हुए वो पता होगी मैं कुछ भूल ना जाऊं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस अपार्ट हैं तो फोर्स का फॉर्मूला ये रहा. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. फील्ड में क्या करते थे, जहाँ E निकालना है चार्ज प्लस वन, तो फील्ड में 1/4πε Q/r² और ये फॉर्मूला था. इट्स अ वेक्टर. पोटेंशियल एनर्जी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई आर स्केलर, और पोटेंशियल में यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है, क्यू ने यहाँ कितना पोटेंशियल लगाया, 1/4πε Q/r. तो ये हमने किया. कोई डाउट इसमें? राइट. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, क्या बोला था? ए और बी चैप्टर किस में डील कर रहे हैं? ई में. अब हम क्या लेके आ रहे हैं? वी. और हम क्योंकि ई इज अ वेक्टर, वी इज अ स्केलर, जो काम ए और बी में ई करता है वो काम इसमें वी करेगा. अब हम दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन. तो आधा न्यूमेरिकल ई का, आधा न्यूमेरिकल वी का, अब कॉम्बिनेशन ऑफ ई एंड वी. तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एंड पोटेंशियल वी. तो इसको समझने के लिए आपको, देखो कमाल की बात है ना यार, इंसान का दिमाग देखो कितना ही चार्ज पे, कितना ही चार्ज के बारे में सोच लिया, कमाल ही कर दी ना. चार्ज की पूरी मतलब कुछ छोड़ा नहीं, चार्ज कैसे बिहेव करेगा कुछ नहीं छोड़ा. और कितनी चीज़ें मैथमेटिकली प्रूव कर करके और कितनी ज़्यादा थ्योरी बनती गई और कैसे कॉन्सेप्ट आता गया. और सिर्फ यही नहीं है, इसकी स्टडी से फिर मशीन्स भी बनी, कैपेसिटर बना, वेंडीग्राफ जनरेटर बना, और आपने स्कूल में सुना होगा बहुत सारी चीज़ें. तो पूरी डिवाइसेस भी बनी है इससे. तो डिवाइसेस क्योंकि चार्ज का बिहेवियर हमें पता लग गया तो हमें पता है कि वो कैसे बिहेव करेगी डिवाइस. तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें मशीन्स के ऊपर काम करना है. चाहे आप इंजीनियरिंग कर लें, चाहे आप BSc कर लें, MSc कर लें, आप चाहे पोस्ट ग्रेड कर लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं मशीन्स के ऊपर काम तो करना ही है, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में स्पेशली. तो ऑब्वियसली ये थ्योरी जो है ये तो पीछे से चलती आ रही है, लेकिन कैसे चीज़ फॉर्मुलेट हो रही है आपको एक आइडिया है. हालांकि आपकी पढ़ाई में हायर स्टडीज़ में ऐसा कुछ आता नहीं है, बहुत कम आता है, थोड़ा 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 बीच में आता रहेगा, बेस प्लस वन प्लस टू का रहेगा, लेकिन फिर थोड़ी स्पेसिफिक पढ़ाई हो जाती है, आगे जाके स्ट्रीम बन जाती है. तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. हालांकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, मैंने एक ही लाइन ड्रॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये रहा, डन. क्या पड़ा हुआ है इसमें? चार्ज. फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कहां? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कितनी? क्यूई. ये पहले किया हमने बी चैप्टर में. सही है यहां तक मिथुन? ठीक है. चार्ज क्यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड गेट्स डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट. सही है. वर्क किसने किया? मैंने किया? नहीं. क्या मैंने जाके धक्का मारना पड़ा मुझे? चार्ज क्या कहता है मैं नहीं चलूंगा? नहीं, चार्ज कहता है मैं तो चलूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पे क्या लगा रही है? फोर्स. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ किसने काम किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने काम किया. समझ में आ रहा है यहाँ तक? भाई जब काम अपने आप हो रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही काम करेगा, राइट. कितना काम किया? फोर्स कितनी लगी? क्यू ई वेक्टर, राइट. सही है, सही है. तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसमें वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक. मैं नहीं कर रहा, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फोर्स एक्सपीरियंस हुई, वर्क डन लगा. तो वर्क डन कितना लगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वेक्टर फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म में लगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. मान लेते हैं कि चार्ज थोड़ा डिस्प्लेस हो गया बाय डी आर वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ है, डी आर भी इस तरफ है. तो डॉट डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में वर्क डन को क्या लिखते हैं? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. तो क्योंकि डिस्प्लेस में मैंने छोटी ली तो वर्क डन भी स्मॉल है. तो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक. मैंने नहीं, क्योंकि अपने आप ही मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था मैंने. तो
मैंने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव नहीं करवाया ना, नेचर का लॉ क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेगा, नेचर तो यही कहती है ना, तो नेचर जो कहती है तो मैं तो अगेंस्ट नेचर काम ही नहीं कर रहा, तो दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लियर है, ये क्लियर है, फोर्स की वैल्यू कितनी है क्यू ही क्लियर है, तो वर्क डन किसका निकल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। चार्ज क्यू को डी आर डिस्प्लेस कर दिया, चार्ज क्यू मूव कर गया, चार्ज क्यू को इसके नीचे ले आओ, क्योंकि जो डिस्प्लेस कर रहा है चार्ज उसको डिवाइड कर दो, तो क्या बना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपका चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी आर, तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं गया, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, तो उस केस में इतना वर्क डन लगा इतने चार्ज के ऊपर, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, ई डॉट डी आर। पर मैंने आपको डिफाइन करवाया था पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज आता है और हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं अपॉन चार्ज कर देते हैं, जिस चार्ज को मूव करवाते हैं उसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यही बात हुई थी हमारी। पर लेकिन प्रॉब्लम यह है क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है ना बेसिक, कि अगर मैं कहूं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप कहोगे वर्क डन अपॉन चार्ज, तो मैं पूछूंगा वर्क डन किसका, अब तो आपको दो दो वर्क डन पता है, एक्सटर्नल लगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो जब आप वर्क पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो, तो फिजिक्स ये कहती है कि आपने वर्क डन एक्सटर्नल का लेना होता है, एक्सटर्नल का लेना है। पर मैंने वर्क डन किसका निकाल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मैंने तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाला ना। और कायदे से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, कि वर्क डन मस्ट बी डन बाय एक्सटर्नल। अब मुझे एक गेम पता है कि एक्सटर्नल से इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक्सटर्नल में जाने के लिए साइन क्या लगता है, नेगेटिव। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन एक्सटर्नल के वर्क डन के आगे क्या लगेगा, नेगेटिव, एक ही बात है। अब मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने इसमें कैलकुलेट कर दिया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय चार्ज, जो भी कैलकुलेट किया था, क्या आंसर आया था, ई डॉट डी आर। बट दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में यहां पर किसका वर्क डन होना चाहिए, एक्सटर्नल, राइट। पर मैंने किसका निकाल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई बात नहीं। अगर आप यहां एक्सटर्नल लगाते हो तो साइन साथ में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया, तो माइनस साइन राइट पे चला गया। अब क्या हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉइंट समझ में आया, मैं क्या बना रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कहती है कि दिस वर्क डन मस्ट बी डन बाय एक्सटर्नल, पर मैंने इसमें वर्क डन किसका निकाल दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको रिप्लेस कर दिया बाय माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो आंसर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब इस ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन कर दी मान लो, और मैंने कहा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर थी, पर एक्चुअल में चार्ज गया आर वन से आर टू तक, तो लिमिट क्या लगा दी, आर वन से आर टू तक। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये डेफिनेशन भी किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन अपॉन चार्ज। दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो आप न्यूमेरिकल में क्या, भाई एक और भी था। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बाय चार्ज। दूसरा तरीका माइनस ई डॉट डी आर। तीसरा तरीका दो पॉइंट के पोटेंशियल लो और उनको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब कब कौन सा लगाना है, जिस स्टूडेंट को यही समझ में आ गया उसको मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये तो सिखाना है, वो घर बैठेगा वो कहेगा सर आपके सिखाओगे, मेरे को तो पहले ही आता है, यही तो सीखने के लिए बैठे हैं।
कि पहले ये डेफिनेशन सीखेंगे, फिर आज मैं आपको ये लगा के सिखा के भेजूंगा कब कौन सी डेफिनेशन को लगाना है, बस इस पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है, खत्म है ये चैप्टर। आप मानोगे अगले दो लेक्चर तीन लेक्चर जितने भी लगेंगे, कुछ नहीं टॉपिक, बस यही है प्रैक्टिस, मैं यही करता रहूंगा। ये लगेगा नहीं नहीं ये लगाएंगे नहीं 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 ये लगेगा, तो बस यही करेंगे भाई। जिस एक बात तो पक्की है, उसने अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया और हमें वर्क डन दे दिया, फिर तो मैं ये लगाऊंगा। उसने अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, फिर मैं ये लगाऊंगा। और अगर उसने मुझे दो पॉइंट्स का पोटेंशियल दे दिया, 12 वोल्ट 10 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, तो 12 में से 10 माइनस करके मैं 2 वोल्ट सीधा कर दूंगा। ये तो पूछता नहीं आपसे, ये क्यों पूछेगा आपसे, इन दोनों पे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ये तो कोई भी कर लेगा, ये कोई क्वेश्चन बना, यहाँ पे 12 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 में से 10 गया 2 वोल्ट, नहीं पूछेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये तीसरी डेफिनेशन साथ में क्लियर हो गई। एक स्पेशल केस जरूर किया हुआ है, करना है कर लो, नहीं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वैसे कर लो, एक ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, वैसे ये सही है, अच्छी डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस में हमने R1 से R2 तक चार्ज को लेके गए, और अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस, अगर R1 इन्फिनिटी है, मतलब कि दो चार्जेस कितने अपार्ट है, इनफाइनाइट, और फाइनली मैंने कितना अपार्ट करना है, R, तो R1 की जगह इन्फिनिटी, R2 की जगह R, तो मैं इन्फिनिटी से R तक लेके आता हूं, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। पता है क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल का एक्चुअल फॉर्मूला होता क्या है, वी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0q/, जब आर इन्फिनिटी होगा तो वी जीरो होगा, ऐसे था ना, जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होती है, जीरो, ऐसे ही है। और दूसरा तरीका क्या था, क्लास में बच्चे को लेके आना है, घर बैठा था, घर पे इन्फिनिटी, पहले बच्चे को लेके आएंगे इन्फिनिटी, तो वर्क डन वैसे ही जीरो होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस ये ज़्यादा बेटर, आर इन्फिनिटी है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वहाँ पर, जीरो। तो ये स्टेप क्लियर है, अगर आर इन्फिनिटी है जीरो पोटेंशियल है, और जब आर डिस्टेंस पे आ गए तो फिर तो कुछ पोटेंशियल होगा। और डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 - V1 या E.dr, कुछ भी लगा लें, तो तीनों डेफिनेशन लिख दी मैंने, तो मुझे पता है कि जब V1 जीरो है, V1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जीरो है स्पेशल केस में, और V2 की जगह क्या पुट करेंगे, V, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, आप भी पुट कर सकते हैं, V1 की जगह स्पेशल केस में मैंने क्या पुट किया, जीरो, और V2 की जगह क्या पुट किया, V इज इक्वल टू R1 से लेके कहाँ तक, R2 तक, और R1 की जगह क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी से लेके R तक। तो जब इन वैल्यूज को पुट किया तो यहां पर क्या बच गया, V2 की जगह V, क्योंकि V1 तो जीरो है इन्फिनिटी पे, और क्या बचा, लिमिट क्या बची, इन्फिनिटी से R। तो आपको ये केस नहीं करना कुछ भी, ये नहीं याद करना, आप प्लीज ये फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन है ये। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, तो E.dr में लिमिट क्या लगाएंगे, R1 वेक्टर से R2 वेक्टर, और जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल में इनिशियल लिमिट क्या लगेगी, इन्फिनिटी, क्योंकि आप चार्जेस को कहां से लेके आते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से R तक। तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये नहीं कोई पूछ रहा आपसे क्या आपको ये डेफिनेशन पढ़नी आ रही है, तो अगर आपको ये डेफिनेशन पढ़नी आ रही है, आपको ये प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आप नो नीड लिख सकते हो इसके ऊपर, जाए नो नीड टू डू दिस, ओनली फॉर्मूला। पॉइंट समझ में आया आपको? तो अगर मैं आज के बाद, ठीक है, ऐसा करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस E.dr, बोलो कहां से कहां तक, R1 से R2,
और अगर मैं बोलूं सिर्फ पोटेंशियल, तो ई डॉट डी आर की लिमिट कहां से कहां तक? इंफिनिटी से. क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये डेफिनेशन आ गई तो समझो काम बन गया. वो सारी थ्योरी सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, लेकिन एंड रिजल्ट आपको पढ़ना आना चाहिए. अगर आपको एक बार में पढ़ना आ रहा है, आपको दूसरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब लग रहा है कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हुआ लग रहा है, फील हो रहा है. ठीक है, अच्छा वो फोर्स को देख के तो नहीं समझ बैठे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है? नहीं नहीं ठीक है, इतना बुरा नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा. जब आप पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ना जरूरी है. हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा अलग है, क्योंकि एकदम नई चीज़ें हैं ना, और बड़ी अजीब सी थ्योरी बनाई हुई है, मतलब अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. बट अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी अच्छे हैं. लो आ गया एंड रिजल्ट. अब जो पेपर में आना है असली चीज़, फॉर्मूला सबको याद हो गए? अब कौन सा फॉर्मूला कब लगना है, बस यही खेल है सारा. मैंने आपको ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के तीन तरीके सिखाए. पहला तरीका V2 - V1, दूसरा तरीका वर्क डन अपॉन चार्ज, तीसरा तरीका -E.dr. ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन. तो कौन से क्वेश्चन में कब लगेगा, ये टेक्निक आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगी. जैसे पहला केस है, आपको वो क्यू चार्ज देगा, आपको दो पॉइंट देगा, क्यू चार्ज से दूरी देगा आर ए एंड आर बी. क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल आप निकालेंगे, क्यू बाय आर बी आर ए, क्यू बाय आर बी, और कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो. तो आप दोनों पोटेंशियल के पोटेंशियल को क्या कर देंगे, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. ये सबसे आसान तरीका है आपको. मैं तो हमेशा इसी मेथड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको वो ये मेथड की ये वैल्यूज देगा कि नहीं देगा वो उसकी मर्जी है. पर अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा लगेगा. क्लियर है यहां तक? ठीक है. दूसरा तरीका वो कहेगा कि ठीक है एक क्यू चार्ज है और मैं किसी क्यू नॉट चार्ज को बी से ए पे लेके आ रहा हूं. मैं क्यू नॉट चार्ज को बी से ए पे लेके आ रहा हूं, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दो. राइट, तो जब आप यहां से यहां लेके आएंगे तो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा. वर्क डन देगा आपका जो भी वो वर्क डन देगा उसको क्यू से डिवाइड नहीं करना, जिस चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट है, वर्क डन को किससे डिवाइड करना है, जिस चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं. तो कौन से चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट. तो वर्क डन को किससे डिवाइड कर देना है, क्यू नॉट. ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो पहला तरीका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था, VA माइनस VB. दूसरा क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज. राइट, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये बड़ा ध्यान से देखना प्लीज, गलती ना करना, क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे. जब आप किसी भी चार्ज को B से A पे लेके आए, जब आप किसी भी चार्ज को B से A पे लेके आए या A से B पे लेके गए, पूछने वाला बताएगा कहां से कहां लेके जाना है, तो ये आपकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल, और ये आपकी कौन सी पोजीशन है, फाइनल. तो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मैं वी ए माइनस वी बी लूं या वी बी माइनस वी ए लूं. तो अगर आप बी से ए पे लेके आए हैं तो ए इज अ फाइनल पॉइंट, तो आप लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप क्या लेंगे, वी ए माइनस वी बी. ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग कहते क्या फर्क पड़ता है यार, जिस माइनस कर लो क्या. नहीं नहीं फर्क पड़ेगा आपको. तो अगर आप चार्ज को बी से ए पे लेके आए हैं तो वी ए माइनस वी बी, और अगर आप चार्ज को ए से बी पे लेके गए हैं तो ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी, फाइनल, तो वी बी माइनस वी ए. ये रूल याद रहेगा, मैंने लिख भी दिया बड़ा बड़ा, फाइनल पोजीशन या फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. ये तो आप कर ही लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं. तो रूल समझ में आ गया यहां तक, पहला मेथड क्लियर, दूसरा मेथड क्लियर, दूसरे मेथड का ये मेथड तो क्लियर ही क्लियर, इसमें ये मेथड सिखा कौन रहा है, ये तो अब पहले दिन से क्लियर है.
आपको ये सिखा रहा हूं इसमें, क्योंकि आप इसमें तो गड़बड़ करोगे ही नहीं। दो ही तो चीजें हैं, वर्क डन गिवन होगा, जिसको चार्ज को उठा के लेके जाना है वो गिवन होगा। आपको सर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो कंफ्यूज कर देगा कि बोलो वी ए माइनस वी बी आया कि वी बी माइनस वी ए आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? रिवाइज करना पड़ेगा, लेक्चर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, रूल तो देखने पड़ेंगे ना। बट इतनी टेंशन नहीं है, वो थ्योरी रिवाइज कर लेना। जो ये जो न्यूमेरिकल की टाइप्स बता रहा हूं ना, ये आपको काफी क्लियर कर देंगी चीजें। लास्ट लास्ट तीसरी डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या माइनस ई डॉट डी आर की इंटीग्रेशन। तो आपको वो वही तीन चीजें देगा, आपको क्या करेगा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, क्योंकि उसने अगर आपको क्यू दे दिया, आर ए दे दिया, आर बी दे दिया, फिर आपको ये डेफिनेशन लगाने की जरूरत क्या है? फिर तो आप कहोगे मैं इसी मेथड सॉल्व कर दूंगा। लेकिन वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ टर्म गायब करके आपको ई दे देगा। तो आप माइनस ई डॉट डी आर की इंटीग्रेशन से अपना आंसर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह थोड़ी ना कि ये मेथड लगा, इंपॉर्टेंट है लिमिट क्या लगी। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ये थोड़ी ना था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, इंपॉर्टेंट ये था फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट ये थोड़ी ना पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, वो तो पता ही है फॉर्मूला, लिमिट क्या लगेगी। तो अब लिमिट क्या लगेगी इसको जरा ध्यान से देखना है। आप चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज यहां पर है, आप बी से ए पे लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कहां से कहां, बी से ए। तो ये आपकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल। ये आपकी कौन सी पोजीशन है, तो लोअर लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल। और ये क्या लगेगी, लिख लो इनिशियल फाइनल। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इंपॉर्टेंट ये तो फॉर्मूला याद ही है, इसमें करना क्या है, इनिशियल फाइनल। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मैंने उल्टा लिखा है, नहीं बी से ए पे लेके आ रहा हूं चार्ज को, तो ना मैं एरो बना लो, ऐसे एरो बनाओ। ये देखो क्यू नॉट चार्ज था ना, ये क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहा हूं मैं, ये एरो बनाओ, एरो बनाना रह गया। आप ऐसे बनाओ, ये एरो बनाओ, या लिख लो चार्ज इज कैरिड फ्रॉम बी टू ए। चार्ज जो है वो कहां से कहां आ रहा है, बी से। अब सही है क्या, ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जो आज थ्योरियां कराई है ना, थ्योरियां बड़ी बड़ी, उतनी बड़ी बड़ी बातें तो आएंगी भी नहीं। कोई नहीं पूछता आपसे कि कैसे निकाला आपने पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ नहीं आएगा, एक नंबर का भी नहीं आएगा, सुन लो, ना कॉम्पिटिशन में ना एनसीईआरटी में, मैं तो देखा नहीं आता हुआ। वो फंसाएगा आपको यहां पे, एप्लीकेशन आएगी ना, कैसे लगाना आना चाहिए, ऐसा आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप चार्ज को बी से ए पे लेके आओगे तो इनिशियल से लेके फाइनल लिख लिया, राइट। और ये भी इंपॉर्टेंट, इकट्ठा लगाएगा वो आपसे, आप बी से ए पे लेके आ रहे हो तो बी ए इज फाइनल। तो ये देखो यहां भी लिखो फाइनल पोटेंशियल, और ये कौन सा पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल, ये भी साथ साथ लिखना पड़ेगा, राइट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, एक ये लगाना और एक ये लगाना। इसमें कुछ ना, ये तो फॉर्मूला है, इसमें क्या लगाना, ये तो लिख दो फॉर्मूला, हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसकी प्रैक्टिस करनी है बस हमने, एक लेक्चर नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो मैं लगाना सिखाता हूं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। अब मैंने थ्योरी बता दी, अब मैं न्यूमेरिकल करके लाया हूं शीट में। देखो आपको 10 कूलम चार्ज गिवन है, 3 मीटर दूर ए पॉइंट है, 5 मीटर दूर बी पॉइंट है। तो बोलो ए पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 pi epsilon 10/3। बी पे क्या होगा, 10/5। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस, डन डन आंसर। बड़ा कौन सा होगा, ए, ए क्यों होगा, क्योंकि ए नजदीक है चार्ज के, तो डिस्टेंस कम है, पोटेंशियल ज्यादा है। सबसे आसान क्वेश्चन यही है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा, 3 कूलम का चार्ज है,
2 मीटर 5 मीटर दूरी है, ए वी ए बी भी निकाल लिया, तो एक तरीका तो ये था ही ना, माइनस कर लो आंसर, ये नहीं लगाना। कह रहे 2 कूलम का इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है, जो चार्ज को उठा के रखा जाता है वो कभी भी फील्ड नहीं लगाता, वो कभी भी पोटेंशियल नहीं लगाता, तो वो कौन सा चार्ज माना जाता है? टेस्ट चार्ज। तो आपने रख दिया, आपको क्या निकालना है, कितना वर्क डन किया आपने इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए। अब वर्क डन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, राइट। तो आपको ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, और चार्ज कौन सा लेना होता है, जिस चार्ज को उठा के रखा जाता है। कौन से चार्ज को उठा के रखा जा रहा है? 2। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय 2 इस पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां रख रहे हो? बी से ए, तो बोलो वी ए माइनस वी बी की वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन? ए, तो वी ए माइनस वी बी। अब वी ए तो आपको पता ही है, वी बी भी आपको पता ही है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो सॉल्व करके वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसी प्रॉब्लम आएगी एनसीईआरटी एंड मेंस एंड नीट तीनों में, ये प्रॉब्लम ऐसी आती है, समझ में आया। लेकिन पॉइंट ये है कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत देर मेरा लेक्चर सुनना पड़ा, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, हर कोई बुक भी ऐसे समझाएगी, कोई टीचर भी ऐसे समझाएगा, वो तरीका ही वो है। हाँ, उसमें से आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी है, तो इतना बोझ मान के ना चले कि यार वो ये क्या ऐसी थ्योरी कौन लिखेगा, कोई पूछ नहीं रहा आपसे, बट आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वो सुनने के बाद ये कैच करना आपके लिए ज्यादा आसान है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तीसरा तरीका आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा 2xi कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, x के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग है, 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं ना, ये चार्ज छुपा लिया उसने, दिया ही नहीं, क्योंकि अगर ये चार्ज देता तो मैं इस चार्ज के लिए a का सीधा फॉर्मूला 1/4πε³r लगा लेता, फिर b पॉइंट पे निकालता, दोनों को माइनस करता, मेथड नंबर 1 लगाता आंसर, उसे दिया ही नहीं है चार्ज। उसने चार्ज देने की बजाय इस चार्ज का क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे को ये समझ में आता है कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगाए फॉर्मूला। अब इसमें गेम किसकी है? इंटीग्रेशन की, लिमिट की, कहां से कहां जाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में मैं फिर से लिखना भूल गया, देना चाहिए मुझे, हर क्वेश्चन में मैं चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहा हूं, बी से। तो प्लीज यहां पर भी बनाओ, यहां पर एक एरो बनाओ यहां पे कि चार्ज इसमें भी कहां से कहां आएगा, बी से ए। क्लियर है यहां तक? तो लिमिट तभी बताओगे ना कौन इनिशियल कौन फाइनल। तो आपका चार्ज कहां से कहां कैरी कर रहे हैं? बी से ए। तो अब लिमिट, ए इज अ फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट की लिमिट क्या है? 2। और ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल, इनिशियल की लिमिट क्या है? 3। तो लिमिट क्या लगेगी? 3 से 2। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि डाउट कैसे लगेगा ये? क्लियर है यहां तक? ठीक। तो इसमें 3 से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है, 2xi कैप, और डिस्प्लेसमेंट dxi कैप, क्यों? क्योंकि एक्सिस कौन सा चल रहा है? x एक्सिस। तो i कैप डॉट i कैप क्या हो जाएगा? 1। तो ये टर्म आ गई, तो यहां से 2 बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन x² / 2, तो लिमिट पुट करेंगे आंसर आएगा, चलो वो तो अलग बात है। बट आपको पॉइंट समझ में आया कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, सुन लो इधर, ये फॉर्मूला लगाना है, समझ में आया? ई वेक्टर जो भी गिवन होगा, समझ में आया? अगर आपकी चार्ज की मूवमेंट एक्स एक्सिस में है तो पीछे कौन सा कैप लगेगा? आई कैप, समझ में आया? रही बात क्या लिमिट की, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आप कहां से कहां जा रहे हो, तो आपको इनिशियल पॉइंट भी पता है और फाइनल भी है, तो इनिशियल नीचे लिमिट आएगी, फाइनल ऊपर आएगी, डन। क्या ये मेथड क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है तो फिर जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन, ऐसा न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा। क्वेश्चन है 9, 5, 7 और बी पॉइंट गिवन है,
ठीक है, आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, तो 5 कूलम चार्ज उठा के रखना है, तो वो कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, तो वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कहाँ से कहाँ रखना है? ए से बी आपको वर्क डन निकालना है। करो ट्राई, खुद करना। तो रूल क्या लगे, सबको समझ में आ रहा है? वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं? ए से बी, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कौन से चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं? 5 डिवाइडेड बाय 5 इज पोटेंशियल का डिफरेंस। कहाँ से कहाँ? ए से बी, तो बी इज फाइनल, ए इज इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं आपको वी बी वी ए बता दूँ आंसर आ जाएगा वर्क डन का। अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? ये तो लगाएगा नहीं, टेस्ट चार्ज है। कौन लगाएगा? 9 लगाएगा और 7 लगाएगा, तो कितना? 1/4 pi epsilon naught 9/3 और यहां से 1/4 pi epsilon naught 7/2 आ गया बी। और ऐसे ही ए पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? 9 लगाएगा 9/2 और 7 लगाएगा 7/3, राइट? तो सॉल्व कर लोगे ये वी ए और वी बी, सबको समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है? वी आ गया, वी बी आ गया, तो वी ए और वी बी को यहां पुट करना है, तो क्या आएगा? वर्क डन आएगा। समझ में आया? अब ये चैप्टर स्मूथ चलेगा, क्योंकि अब हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से चलेगा। ऐसा चलेगा, अब ऐसा चलेगा। न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल आसान है, इसके थ्योरी का पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स ओके, पर पूछ भी कौन रहा है थ्योरी, बट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? एक सेकंड।